बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने रिपोर्ट्स को एमएस एक्सेस में आप किस तरह से क्रिएट करने के बाद मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी उसमें एडिटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम आपको रिपोर्ट्स को प्रिंट करना सिखाएंगे। टुडे स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले नेविगेशन पेन को ओपन करेंगे और ओपन करने पर आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं टेबल्स, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स का, जो कि ये बता रहे हैं कि इस डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स मौजूद हैं, कौन कौन से फॉर्म्स मौजूद हैं और कौन कौन सी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। टुडे स्टूडेंट्स, जिस भी रिपोर्ट को आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, आप सबसे पहले उस रिपोर्ट को क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की थी पिछले लेक्चर्स में ऑर्डर रिपोर्ट के नाम से। अब अगर आप इस रिपोर्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इसको माउस की मदद से राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पर आप प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस रिपोर्ट का एक प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा और साथ के साथ प्रिंट प्रीव्यू का टैब भी ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इस टैब में आपको कई सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, प्रिंट, पेज साइज, पेज लेआउट, जूम, डेटा एंड क्लोज प्रीव्यू का। यहाँ पर आप सबसे पहले पेज लेआउट के ग्रुप में जो सबसे लास्ट बटन आपको नजर आ रहा है पेज सेटअप का, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर दोस्तों ये आपको तीन ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा, प्रिंट ऑप्शंस, पेज एंड कॉलम्स का। प्रिंट ऑप्शंस पर आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी, मार्जिन, प्रिंट डेटा ओनली एंड स्प्लिट फॉर्म। दोस्तों, स्प्लिट फॉर्म जो है ये तो आप नाम से ही पता लग रहा है कि ये रिपोर्ट्स के लिए नहीं है बल्कि फॉर्म के लिए है। अब मार्जिन से दरअसल आप ये सिलेक्ट करेंगे कि जो रिपोर्ट्स का डाटा है यहाँ पर टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम पर कितनी स्पेस मौजूद होनी चाहिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको फिलहाल ये एक सैंपल के तौर पर नजर आ रहा है कि अगर आपने ये स्पेस दी है, ये मार्जिन दी है, तो आपकी ये जो डॉटेड लाइन के बाहर जितनी आपको स्पेस नजर आ रही है ये आपको मार्जिन मिलेगी। लेकिन अगर हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम 10 कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी मार्जिन इंक्रीज हो गई है। तो इस तरह से आप इसकी मार्जिन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप मार्जिन को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ डेटा को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इस प्रिंट डेटा ओनली के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप पेज पर जाएंगे। पेज पर दरअसल ये आपको ये बताता है कि आप जो पेज प्रिंट करवाने जा रहे हैं उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, वो पोर्ट्रेट होगी या लैंडस्केप होगी। इसके अलावा उसका साइज क्या होगा, A4 लेटर पर, A4 पेज पर आप अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं या लेटर के पेज पर। इसी तरीके से इसकी सोर्स वगैरह क्या होगी और प्रिंटर कौन सा होगा, डिफॉल्ट प्रिंटर होगा या आपने कोई और स्पेसिफिक प्रिंटर जो है वो इसके लिए सिलेक्ट करना है, तो आप इस यूज स्पेसिफिक प्रिंटर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों कॉलम्स में आप ये सिलेक्ट करेंगे कि आपकी ये जो रिपोर्ट है ये मल्टीपल रॉज एंड कॉलम्स से मिलकर बनी है, तो इसमें कितने कॉलम्स होने चाहिए, इसकी रॉज में स्पेस कितनी होनी चाहिए, कॉलम की विड्थ और हाइट क्या होनी चाहिए। तो यहाँ से आप दरअसल ये चीजें सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों यही तमाम ऑप्शन आपको पेज साइज में भी मिल रहे होंगे। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें मार्जिन की, तो यहाँ पर ये एमएस एक्सेस आपको कस्टमाइज मार्जिन भी फराहम करता है कि आपको खुद से मार्जिन को लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ से आप नॉर्मल, वाइड और नैरो को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपकी मार्जिन इस तरह से की होंगी। जैसे दोस्तों अगर हम वाइड को सिलेक्ट करते हैं तो अब आपके ये देखिए पेज पर इतना सारी स्पेस आ गई है चारों तरफ। इसी तरीके से अगर हम नॉर्मल करते हैं तो आपकी पेज की साइज जो है मार्जिन कुछ इस तरह से होगी। अगर आप यहीं से प्रिंट डाटा ओनली पर क्लिक करेंगे तो अब सिर्फ और सिर्फ डाटा आपका जो है वो प्रिंट होगा इस तरह से, यानी आप फील्ड का नेम वगैरह नहीं होगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका डाटा प्रिंट होगा। इसके अलावा दोस्तों आप अगर आप अपने पेज को जूम करके देखना चाहते हैं तो आप इसको इसकी जूमिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा और घटा सकते हैं। दोस्तों आप एक वक्त में कितने पेजेस देखना चाहते हैं जूम करके वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में ये तमाम चीजें सिलेक्ट करने के बाद अब आप क्या करना है, आपको इस प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दरअसल आपकी तमाम प्रिंटर की सेटिंग्स मौजूद होंगी कि आपके प्रिंटर का नाम क्या है, आप एक वक्त पे कितने पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप तमाम पेजेस को, एक रिपोर्ट जो है वो मल्टीपल पेजेस से मिलकर बनती है, तो अगर आप तमाम पेजेस को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप ऑल पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ मखसूस नंबर ऑफ पेजेस को प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे एक रिपोर्ट में
पांच पेजेस है तो आप यहाँ पर लिख देंगे 1 to 5। इस तरह से आप उनको स्पेसिफिक नंबर्स को भी दे सकते हैं। अब आप एक पेज की कितनी कॉपीज बनाना चाहते हैं तो आप दोस्तों उन कॉपीज को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप ओके पर क्लिक करेंगे तो अब आपका ये जो पेज है, ये जो रिपोर्ट है, ये प्रिंट हो जाएगी। अब दोस्तों जब आप ये तमाम लेआउट, पेज का लेआउट, जूमिंग, साइज वगैरह सब चेंज कर देंगे, अब आप समझ जाएंगे कि आपका ये जो आपकी रिपोर्ट है ये अब प्रिंटिंग के काबिल हो गई है, तो फिर आप इस क्लोज प्रिंट प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिपोर्ट है वो क्लोज हो जाएगी। और अगर आप इसको डायरेक्टली प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इस रिपोर्ट के और इस रिपोर्ट पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इस प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से एमएस एक्सेस में किसी भी रिपोर्ट को प्रिंट करवा सकते हैं, उसकी लेआउट्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, उसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ और साथ के साथ हमारे इस चैप्टर का भी इख्तिताम हुआ, जिसमें हमने ये सीखा कि आप एमएस एक्सेस में फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उनका मॉडिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, उनको प्रिंट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारी बुक आईसीएस पार्ट 2 की बुक का भी इख्तिताम हुआ। दोस्तों आप सबको अल्लाह हाफिज़।